बेटी आप रुक क्यों गई? फेरे समाप्त नहीं हुए हैं? जानती हूं पंडित जी, लेकिन फेरे समाप्त होने से पहले मैं अपने होने वाले पति से दो बातें करना चाहती हूं। फेरों के बीच रुक जाना हिंदुस्तानी रिवाज और कल्चर के खिलाफ इरादा। जो कल्चर किसी मनुष्य के आत्मसम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की हिफाजत न कर सकता हो, वो कल्चर किस काम का? आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी अपने कदमों से उठाकर उनके सर पर रख दें। सुनो राधा, मेरे और तुम्हारे पिता के बीच जो वहां हो रहा है उसे वहां होने दो, मेरे तुम्हारे बीच जो यहां हो रहा है इसे मत रोको। वहां भी अपमान हो रहा है और यहां भी अपमान ही हो रहा है। बेटियां बाप की पगड़ी में लिपटी होती हैं, पगड़ी उतर जाए तो वो नंगी हो जाती है। इसलिए जाकर अपने पिताजी से कहिए कि जो पगड़ी उनके कदमों में है वो आपकी भी इज्जत है और उनकी भी। अपने बड़ों की बात काटना मुझे नहीं सिखाया गया। अगर आप मेरे पिताजी की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में मुझे क्या इज्जत मिलेगी? मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप अपने पिताजी से कहिए कि वो मेरे पिताजी की पगड़ी उठाकर वापस उनके सर पर रख दे। और अगर ना कहूं तो? इस गठबंधन में एक चादर मेरी भी है, मैं इस गठबंधन को हवन कुंड की इस पवित्र अग्नि में जला दूंगी, जिसके फेरे लेकर आप मेरी इज्जत करने और रक्षा करने की झूठी शपथ खा रहे थे। मैंने कहा ना, मैं अपने पिताजी की कोई बात नहीं काट सकता। पंडित जी, शादी के मंत्र पढ़िए। नहीं पंडित जी, जिस शादी का आधार प्रेम न हो, मान सम्मान न हो, वो शादी शादी नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का अपमान है। देखा तुमने, अरे हम तो बच गए, वरना ये लड़की मेरा बना बनाया घर जला के खाक कर देती। तुम अपनी बेटी के लिए कोई और लड़का ढूंढ लो, मैं बारात वापस ले जाऊं। ऐसे कहो, मेरे दरवाजे पर आई हुई बारात वापस न ले जाऊं। वापस न ले जाऊं तो क्या यहाँ रुककर अपना और अपने बरातियों का अपमान कराऊं? चलो बेटे, चलो यहाँ से। नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नहीं डैडी, आप हाथ मत जोड़िए, जाने दीजिए इन्हें। ये बारात नहीं, अपना बेटा बेचने वालों की एक टोली है जो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता की अर्थी उठाने आई है। तुम चुप रहो, अपनी बेटी को हिंदुस्तानी बहू होने की तहजीब सिखाओ उमराओ, वरना इस घर में जो भी बारात आएगी इसी तरह वापस लौट जाएगी। हट जाओ, चलो बेटे, चलो यहाँ से, चलो। रघुवीर, रघुवीर रुक जा, रुक जाओ भाई। दोस्तों मैं कहाँ हो जाऊंगा? रघुवीर रुक जाओ, रघुवीर मैं हाथ जोड़ता हूँ। हट जाओ उमराओ। सुनो 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 रघुवीर, रघुवीर बैठो बेटे। बेटे रघुवीर रुक जाओ, बेटे रुक जाओ। रघुवीर मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं हाथ जोड़ता हूँ। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। रघुवीर मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं तबाह हो जाऊंगा। ठीक 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 ठीक, घर से बारात लौट गई। अरे बाप का तो मुंह काला हो गया। राधा, राधा, डैडी आपकी पगड़ी। मेरी पगड़ी तो तुम्हारी बदतमीजी ने उछाल दी। अपने बाप की और अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर तमाशा देख लिया तुमने। खानदानों की इज्जत का रंग इतना कच्चा नहीं होना चाहिए डैडी कि उसमें आए दिन बेटियों का खून भरना पड़े। हमारे खानदान के सदियों पुराने इतिहास में
ये पहली बारात है जो हमारे दरवाजे से लौट गई। जानती हूँ डैडी, लेकिन इस खानदान के इतिहास के साथ साथ इस खानदान की बेटियों को भी इज्जत से जीने का हक मिलना चाहिए। अगर आपने मुझे पढ़ाया लिखाया ना होता तो आज ये बारात भी न लौटी होती। और बारात लौटने से हमारी क्या जिल्लत हुई है डैडी? जिल्लत तो उनकी हुई जो लौटाए गए। रघुवीर अंकल एक फेरी वाले की तरह हमारे दरवाजे पर अपना बेटा बेचने के लिए आए थे। माल खराब था और वो दाम भी ज्यादा मांग रहे थे, इसलिए आपने उनका बेटा नहीं खरीदा। ये तकरीर तुम अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रखो। हमारे दरवाजे से हमारी बेटी की बारात लौटी है। नहीं डैडी, जो बारात लौटी है वो मेरी थी। और मैं आपके घर में खूंटे से बंधी हुई कोई गैया नहीं हूँ। क्या आपने रस्सी खोलकर जिसके हाथ में थमा दिया मैं उसके साथ चल दूं? मैं उस आदमी के साथ शादी कभी नहीं कर सकती थी जो चुपचाप खड़ा मेरे पिताजी की जिल्लत का तमाशा देखता रहा। डैडी, मैं आपकी झुकी हुई गर्दन नहीं देख सकती थी। हमारी गर्दन तो उसी दिन झुक जाती है जब कोई बेटी जन्म लेती है। बेटी तो बाप की झुकी हुई गर्दन का एक और नाम है। शायद इसलिए आप लोग पहले जमाने में बेटी को जन्म लेते ही जिंदा गाड़ दिया करते थे। मतलब यह कि आपने मुझे जो प्यार दिया वो प्यार नहीं दिखावा था। मतलब यह कि मैं आपकी बेटी नहीं अपमान हूं जिसे आप दिल पर पत्थर रखकर झेल रहे थे। खामोश! तुमने अपने दिल की बात कह ली ना? अब मैं अपने दिल की बात करूंगा। राधा, राधा, अंकल का मूड मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम उनके पास जाओ। क्या कहने जाऊं कि आप हाथ पांव जोड़कर बारात वापस ले आइए, मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये बहस का वक्त नहीं है राधा, तुम उनके पास जाओ, कुछ भी हो सकता है। प्लीज अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, जो चाहो करो। कृष्ण, तुम मेरी मौत के गवाह हो। मर जाना इस समस्या का समाधान नहीं, इस सवाल का हल नहीं। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने अपने डैडी का कत्ल किया है। तुम्हारे डैडी ने आत्महत्या करके गलती की है और वही गलती तुम भी करने जा रही हो। और तुमसे पहले भी ना जाने कितनी लड़कियों ने शादी से पहले और शादी के बाद आत्महत्या की होगी। एक और आत्महत्या हालात को बदल नहीं सकती। जिस हाथ ने मेरे डैडी पर गोली चलाई वो उनके नहीं, वो मेरे हाथ से, वो ये हाथ से। और तुम इन हाथों से अपने आप पर गोली चलाना चाहती हो, अपने आप से लड़ाई करना चाहती हो? अगर गोली चलाना है, अगर लड़ना है तो समाज से लड़ो जिसने तुम्हारे डैडी को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। राधा, हमारी रणभूमि ये समाज है। इस समाज से बाहर जाकर, इस दुनिया से बाहर जाकर ये लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। और ये ना सोचो कि अगर तुम नहीं लड़ोगी तो दहेज के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई बंद हो जाएगी।
ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहती हो तो ये लो रिवॉल्वर और खत्म कर लो अपने आप को। जायकेदार बना है, सूप अच्छा है। अरे शुरू करो बेटे, ठंडा हो जाएगा। जिस घर में मौत हो गई हो उस घर के लोग मौत के दिन खाना नहीं खाते। हाँ हाँ वो तो ठीक है, मगर इस घर में किसकी मौत हुई है? आपको किसी ने बताया नहीं कि आपके दोस्त उमराव सिंह जी का मर्डर हो गया है? फिजूल की बातें मत करो। अगर आप बेटी वाले होते तो आपको ये बातें फजूल नहीं लगती, मगर आप तो बेटे वाले। अरे तो क्या मैंने उससे कहा था वो आत्महत्या कर ले? देखो बेटे, मैं दुनिया वालों से अलग नहीं हूं, सभी ज्यादा से ज्यादा दहेज लेने की कोशिश करते हैं। पर दहेज लेते ही क्यों है? आपको मालूम नहीं कि दहेज लेना और देना कानून के खिलाफ है? तुम अपने इस कानून को अदालत तक ही रखो। मैं पूछता हूं दहेज क्यों ना लें? अपने बेटे को वो पालते पोसते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, क्या उस पर रुपया खर्च नहीं होता? 16 बरस लंदन में क्या तुम मुफ्त रहे? आई सी, यानी आप मुझे पाल पोस नहीं रहे थे, आप मुझे पढ़ा भी नहीं रहे थे, आप मुझ पर पैसा इसलिए लगा रहे थे ताकि शादी के वक्त आप सूद के साथ सब कुछ वसूल कर सकें। क्या यही है रिश्ता मेरा और आपका? उस दिन तहजीब ने मेरी जबान पकड़ रखी थी कि सारी दुनिया के सामने अपने डैडी की बात कैसे काटूं, लेकिन डैडी आइंदा मैं चुप नहीं रहूंगा। प्रोफेसर आंटी, उमराव नाना जी ने उस दिन ये थैली दी थी, इसमें बहुत सारे रुपए हैं। बहुत से कुछ कम है पूजा, जो ये बहुत होते तो मेरी डैडी की जान क्यों जाती? धीरज से काम लो बेटी, होनी को कौन टाल सकता है? ये होनी तो नहीं थी माँ जी, और मैं इसे टाल भी सकती थी, लेकिन उस वक्त चुप रहकर मैं अपने डैडी का अपमान नहीं कर सकती थी। ये तो शादी नहीं दुकानदारी हो गई ना माँ जी। बेटी तू एक तरह से ठीक ही कह रही है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, ये तो दुनिया का दस्तूर है। लेकिन दुनिया का ये दस्तूर क्यों है माँ जी, क्यों, ये कब बदलेगा? धीरज रखो बेटी। नहीं माँ, धीरज से काम नहीं चलेगा, धीरज रखना बुजदिली है, सरासर बुजदिली। तो फिर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? जरा अपने घर से बाहर निकल कर देखो, देखोगे बाहर कैसी आग लगी है, लड़कियां किस किस बहाने जलाई जा रही हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैडी की लाश अकेली नहीं है, अनगिनत लाशें हैं उनकी लाश के साथ। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि रघुवीर सिंह तुम्हारे पिताजी की मौत का कारण है, उन पर मुकदमा दायर करो, ये मुकदमा तुम खुद लड़ो और अदालत से इंसाफ मांगो।